टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी शिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं पंडित अमरीश भट्ट आज एक नए सिलेबस पर बात करेंगे और वह सिलेबस होगा TGT एंड PGT, यानी कि आज TGT और PGT पर बात होगी हमारी। देखिए, TGT PGT जो ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा यह आयोजित की जाती है इस परीक्षा को। इसमें तमाम सब्जेक्ट हैं यानी विषय हैं, उस विषय में हम आपके साथ जो उपस्थित हैं वह हिंदी साहित्य को लेकर के उपस्थित हैं, यानी हम बात करेंगे हिंदी साहित्य पर। यहां पर देखिए, हिंदी साहित्य की जो अवधारणा है, यानी हिंदी साहित्य का अगर हम नाम लेते हैं, तो पहला ही हमारे मानस पटल पर यह बात अंकित होनी चाहिए कि हिंदी साहित्य क्या है, हिंदी साहित्य के बारे में आगमन कैसे होता है, हिंदी का आगमन कैसे होता है, साहित्य का आगमन कैसे होता है, कहां से माना जाता है, आदि तमाम बिंदुओं पर हमारे मस्तिष्क को यह सोचना चाहिए। लेकिन सबसे पहले किसी भी शिक्षार्थी को अगर अध्ययन करना है तो उसके मन स्थिति में सबसे पहले सिलेबस यानी पाठ्यक्रम की बात आनी चाहिए कि पाठ्यक्रम क्या है। देखिए, हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही, जो आप पढ़ते हैं यानी जो दिया गया है, कुछ सिस्टमेटिक नहीं है। आप देखेंगे उसको थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक आज करके बात करेंगे। तो हिंदी साहित्य के सिलेबस पर आज हम थोड़ा सा आपको संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे करके हम आगमन और विभाजन आदि पर हम बात करते हुए आगे चलेंगे। तो बिना समय गवाए हुए हम किस पर चलें, आज के पाठ्यक्रम यानी हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम पर। देखिए, मैंने पूरे सिलेबस को चार भागों में विभाजित कर दिया है। पहले आप उन चार भाग को आप आसानी से समझ लीजिए, यानी पूरा जो हिंदी साहित्य है जिसको आप लोग जानते हैं उसको मैंने चार भागों में विभाजित किया है। तो भाग एक है, ठीक है, हम किस में, किस रूप में, भाग एक के रूप में विभाजित किए हैं, दूसरा भाग दो के रूप में विभाजित किए हैं, और तीसरा भाग तीन कह सकते हैं, और चौथा भाग चार के रूप में हम कह सकते हैं। यानी मैं पूरे साहित्य को चार भागों में विभाजित किया है, ठीक है। जो आपका इतना बड़ा सिलेबस है हिंदी के, बहुत बड़ा सिलेबस है ऐसा माना जाता है, लोग कहते हैं यहाँ है साहित्य है, व्याकरण है, संस्कृत का भी साहित्य व्याकरण दोनों शामिल है, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। और मैं आशा करूंगा कि इस संक्षिप्त की आपको अच्छा भी लगेगा और पसंद भी आएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, वो तो आप ही सर्वोपरि होते हैं इसको बताने के लिए। भाग एक को हमने दो भागों में विभाजित किया है, भाग दो को भी दो, तीन को भी दो, और चार को भी दो भागों में विभाजित किया है। एक एक भाग को लेकर के चलते हैं और बताते हैं। देखिए, भाग एक जो हमारा विभाजित है, मैंने कुछ सिलेबस के अनुरूप ना, आपके अनुरूप लेकर के हम बात करेंगे। पहला अगर हम भाग लिखेंगे तो उसको हम काल विभाजन का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? काल विभाजन, ठीक है, इसका हम नाम देंगे। इसका दूसरा जो पार्ट हम करेंगे वह नामकरण को लेकर के करेंगे, नामकरण। चलिए, भाग एक के अंतर्गत काल विभाजन और नामकरण। मैं पहले बता दे रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू जैसा सिलेबस आपके छपा है वो कोई सही
तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से नहीं है, बस दे दिया गया है। भाग दो के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, ठीक है। अगर हम यहां पर गद्य साहित्य का इतिहास इसकी बात करते हैं, और इसका दूसरा जो भाग विभाजित है वह भाषा विज्ञान के रूप में विभाजित है, यानी भाषा विज्ञान इस रूप में विभाजित किया गया है। चलिए भाग तीन पर आते हैं। भाग तीन का जो पहला पार्ट है वह पार्ट क्या है, व्याकरण खंड है। क्या है? व्याकरण खंड है। ये इत्तेफाक की बात है कि ना ही शुरुआत हमारे यहां व्याकरण की हम लोगों ने किया, भारतवासी ने किया, शुरुआत तो किए लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन या इसका श्रेय हमको नहीं जाता है, और साहित्य के विभाजन का भी श्रेय नहीं जाता है। व्याकरण खंड और दूसरा होता है रचना खंड होता है, यानी इस रूप में हम विभाजन किए। भाग चार के अंतर्गत जो हमारा विभाजन है वह विभाजन यह कहता है कि साहित्य यानी संस्कृत, संस्कृत के संदर्भ में ये चौथा विभाजन है, संस्कृत रचनाएं एवं रचनाकार के बारे में बात होगी, एवं रचनाकार, और इसी का रूप के बारे में बात होगा। किसके बारे में? रूप के बारे में बात होगा। रूप का सेंस है यहां शब्द रूप से है, शब्द रूप और धातु रूप के बारे में बात होगा, और यहीं पे संधि समास के बारे में संस्कृत के संदर्भ में होगा। यानी ये जो भाग प्योरली भाग चार है वो संस्कृत से रिलेटेड है, क्योंकि हिंदी में संस्कृत का, संस्कृत भी पढ़ाई जाती है यह हाई स्कूल इंटर के स्तर पर, इसलिए एक भाग संस्कृत का होता है जिसको आपको जानकारी आवश्यक होती है। मैं पूरा सिलेबस ही विभाजित किया आपको चार भागों में, एक के दो दो भाग किया, यानी आठ भागों में मैंने पूरे सिलेबस को आपको डिस्क्राइब किया है। अब हम एक एक भाग को थोड़ा सा और विस्तृत समझते हैं, थोड़ा सा विस्तृत समझेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं इसका विस्तार करता हूं। इसके बाद से अगर आपकी अनुमति होगी यानी आप चाहेंगे तो और इसका मैं विस्तार करूंगा। अभी सिर्फ मैं प्रायः मैं उन नौ प्रवेशियों के लिए यह काम कर रहा हूं जो अभी नए नए इस क्षेत्र में यानी टीजीटी और पीजीटी हिंदी के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, उनको पता नहीं है, या जो हमारे पुराने छात्र हैं, हमारी पुरानी जो छात्राएं हैं वो इसका अनुभव का लाभ ले लेंगी, वो तुरंत उनको एनालिसिस करने का एक मौका मिलेगा। आइए चलते हैं, अब एक एक भाग को देखते हैं, यानी भाग एक को हम देखते हैं, ठीक है। तो भाग एक में मैंने कहा कि काल विभाजन है और नामकरण है, तो भाग एक को हम यहां पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। भाग एक, भाग एक इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, यानी इसको हमने दो रूपों में बात किया। पहला बात किया था हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, ठीक है। देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास की, अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इसमें जो है एक दीर्घ विधाएं हैं, एक लघु विधाएं हैं, यानी हिंदी गद्य साहित्य की दीर्घ विधाएं और हिंदी गद्य साहित्य की लघु विधाएं इसमें आती हैं। तो थोड़ा सा इसको हम भाग एक को यहां पर लगा देते हैं तो आपके लिए आसानी होगी। अगर इसको हम दो पार्ट में विभाजित कर दें तो यहां पर आपके आ जाते हैं नाटक, आ जाते हैं नाटक,
निबंध आ जाता है, नाटक, निबंध, उपन्यास, उपन्यास और कहानी आ जाती है, उपन्यास कहानी आ जाती है। ये जो है हिंदी साहित्य की क्या है, यह दीर्घ विधा है। दीर्घ विधा इन द सेंस ये हो गया कि यह थोड़ी सी लंबी है। हिंदी साहित्य की जो लघु विधाएं हैं, यानी गद्य साहित्य की जो लघु विधाएं हैं, तो लघु विधाओं के अंतर्गत हम जो शामिल करते हैं, यानी आत्मकथा को शामिल करते हैं। किस्म को आत्मकथा और किसको रेखाचित्र को शामिल करते हैं, रेखाचित्र, यात्रा संस्मरण को शामिल करते हैं, यात्रा संस्मरण को शामिल करते हैं, संस्मरण, ठीक है, रिपोर्टाज को शामिल करते हैं, रिपोर्टाज को शामिल करते हैं, आदि आदि इसमें अंतर्गत हम शामिल करते हैं। हम डिस्क्राइब अगर होगा तो बहुत और भी कर सकते हैं। यहां मैं आपको एक संक्षिप्त सिलेबस की बात कर रहा हूं। दूसरा जो हमारा यहां का विभाजन होता है, यानी भाग एक का हिंदी गद्य साहित्य में दीर्घ विधाएं गद्य साहित्य की और लघु विधाएं, ये दो हैं। इसके बाद भाषा विज्ञान आते हैं, भाषा विज्ञान आता है, ठीक है, और इसी भाषा विज्ञान के अंतर्गत हिंदी की बोलियां आप देखते हैं, यानी इस भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम हिंदी की बोलियां को शामिल करते हैं। यानी यहां पर मैं लिख दूं, हिंदी की बोलियां लिख सकते हैं, हिंदी की बोलियां यह लिख दें, और देवनागरी लिपि के बारे में, यानी देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की विशेषता, देवनागरी लिपि के उन्नतीकरण का प्रयास आदि आदि इसमें हम बात करेंगे, यानी भाषा विज्ञान के रूप में हम बात करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त, यानी ये हमारा भाग हो जो होता है एक समाप्त होता है, इसी में ये जो आत्मकथा और रेखाचित्र संस्मरण है, इसी में काव्य गुण और काव्य दोष भी शामिल किए जाते हैं। तो यहां पर अभी मैं कहा कि मैं पूरा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, संक्षिप्त की बात कर रहा हूं, आगे हम बात करेंगे। अब चलिए, यानी हम भाग एक हमारा संभवतः इतना आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, गड़बड़ हो गया, भाग एक की हम बात कर रहे हैं। भाग एक, तो आइए हम भाग एक पर आपसे चर्चा करते हैं, यानी भाग एक किसमें, भाग एक के बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। भाग एक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहली बात आते हैं, यानी इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। भाग एक को, भाग एक का जो विभाजन होता है दो भागों में, पहला मैंने बताया था कि यह काल विभाजन के रूप में हम बात कर रहे हैं, काल विभाजन। पहले भाग के अंतर्गत हम किस पर काल विभाजन की बात करेंगे, इसके बाद तब जाकर के हम नामकरण की बात करेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए, काल विभाजन को लेकर के अलग अलग विद्वान अपने अपने मत रखे हुए हैं। काल विभाजन यानी कि हमारा जो काल को विभाजित किया गया है, यह सबसे पहले
हिंदी साहित्य का लेखन कहाँ से हुआ है उसको हम थोड़ा सा संक्षिप्त में थोड़ा सा मैं बताते हुए आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले गारशा दत्तासी एक फ्रांस का विद्वान होता है, उसने क्या किया, हिंदी साहित्य को विभाजन किया और यानी हिंदी साहित्य को लेखन किया, विभाजन नहीं किया, हिंदी साहित्य का लेखन किया। उसने एक पुस्तक लिखी, गारशा दत्तासी ने एक पुस्तक लिखी, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक एक पुस्तक लिखता है और वहीं से ये माना जाता है कि हिंदी साहित्य के लेखन का शुरुआत होता है। हालांकि मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, मैं सिर्फ यहां आपको बता रहा हूं हिंदी साहित्य की बात अगर हुई है तो वहां पर मैं काल विभाजन पर आना चाह रहा हूं। जो हमारा काल विभाजन हुआ है वो सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय ने किया है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको पूरे हिंदी साहित्य को 11 भागों में विभाजित कर दिया, यानी पूरे हिंदी साहित्य को इन्होंने 11 भागों में विभाजित कर दिया। इसके बाद से विभाजन का क्रम आने लगा, यानी तमाम विद्वान अपने अपने अनुरूप विभाजन किए। उसमें आपके मिश्र बंधु भी आते हैं, उसमें आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी आते हैं, आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी भी आते हैं, श्याम सुंदर दास भी आते हैं, गणपति चंद्र गुप्त भी आते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी आते हैं, आदि तमाम विद्वानों ने क्या किया, इसका विभाजन किया है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। सबके काल विभाजन अलग अलग हैं, उस पर बात होगी क्यों अलग अलग हैं, क्यों नहीं एक ही हुआ या क्यों एक नाम हुआ, क्यों अलग अलग नामकरण हुआ, इस पर हम डिटेल बात करेंगे। लेकिन यहां पर जो सर्वमान्य मत है उसको हम लेकर के चलते हैं, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिक्स करके हम चलते हैं। तो काल विभाजन यहां चार भागों में काल विभाजित हो जाता है। तो पहला जो हमारा विभाजन होता है, यानी भाग एक के अंतर्गत काल विभाजन के जो पहला काल विभाजन होता है वह काल विभाजन आदिकाल होता है। ठीक है, आदिकाल, आदिकाल के अलग अलग नाम हैं। इसके बाद क्या आता है, भक्तिकाल आता है, आदिकाल के बाद भक्तिकाल, भक्तिकाल के बाद रीतिकाल आता है और रीतिकाल के बाद आधुनिक काल आता है। क्या आता है, आधुनिक काल आता है, यानी कि हम आधुनिक काल, ये चार भागों में मोटे मोटे तौर पे पूरे हिंदी साहित्य को हम विभाजित करते हैं। हालांकि इस पर हम बताएंगे कि किसके अनुसार कौन सा विभाजन होता है अभी, लेकिन नहीं, नामकरण को लेकर आता है कि बात आती है, यही काल विभाजन जो होता है, आदिकाल को किसने क्या कहा है, भक्तिकाल को किसने क्या कहा, रीतिकाल को किसने क्या कहा, आधुनिक काल को किसने क्या कहा, यानी हर एक विद्वानों के द्वारा नामकरण देखा जाएगा कि आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, सिद्ध सामंतकाल राहुल शंकरत्यायन ने कहा, वीर गाथाकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आज तमाम यानी नामकरण पर भी हम बात करेंगे। तो ये काल विभाजन और नामकरण बेसिकली यह एक ही टॉपिक है, केवल ये अलगाव कर दिया गया है कि नामकरण को लेकर के, तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट यहां से पूरा हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा कोई क्लिष्टता नहीं है और यहां से क्वेश्चन की भी संख्या अच्छी खासी पूछी जाती है, उस पर हम एनालिसिस करेंगे। आगे चलते हैं, यानी हम भाग दो पर चलते हैं। अब हम चलते हैं किस पर, भाग दो पर। भाग दो में यह हम देखते हैं, भाग दो को हम देखते हैं, तो भाग दो में आप पाते हैं, मैंने कहा इसको भी मैं दो भागों में विभाजित कर रहा हूं, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में और भाषा विज्ञान में। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास यानी इसको हम दो भागों में विभाजित किए, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, ऐसे हम लिख दे रहे हैं। अगर हम मोटी मोटे तौर पर इसको हम विभाजित करें तो इसको भी हम विभाजित कर सकते हैं, पहला
हिंदी गद्य साहित्य की दीर्घ कथाएं और हिंदी गद्य साहित्य की लघु कथाएं। तो दीर्घ कथाओं के अंतर्गत हम नाटक को शामिल करते हैं। क्या नाटक को शामिल किया जाता है? निबंध को शामिल किया जाता है, नाटक, निबंध, कहानी को शामिल किया जाता है और उपन्यास को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसको हम शामिल करते हैं। इसके अतिरिक्त जो लघु विधाएं हैं, उन लघु विधाओं में हम यहीं पर शामिल करते हैं आत्मकथा को शामिल करते हैं। आत्मकथा, यात्रा संस्मरण को शामिल करते हैं, यात्रा संस्मरण को शामिल करते हैं, रेखा चित्र को शामिल करते हैं, रिपोर्टाज को शामिल करते हैं, जीवनी को शामिल करते हैं। यानी यहां से हम इसको लघु कथाओं के अंतर्गत शामिल करते हैं, यानी हिंदी गद्य साहित्य की लघु कथाएं या लघु रूप जिसको हम कह सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। यहीं पर जो शामिल करते हैं काव्य गुण, यानी रचनाएं तथा काव्य गुण शामिल करते हैं, काव्य गुण और काव्य दोष, काव्य गुण काव्य दोष को शामिल किया जाता है। और यहीं पर रस छंद अलंकार को भी हम शामिल करते हैं। ठीक है, यानी ये रहा हमारा दूसरे पार्ट का पहला विभाजन, भाग दो का, जो मैंने आपको मोटी मोटे तौर पर बताया था हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, इसमें हमने शामिल किया। चलिए अगर हम दूसरे पर बात करते हैं तो दूसरा क्या है? भाषा विज्ञान के रूप में शामिल किया जाता है। दूसरा भाग जो है क्या है? भाषा विज्ञान है। और मैंने आपको भाषा विज्ञान में यह बताया था कि शामिल क्या होते हैं, अभी तो इसके अंतर्गत हम हिंदी की बोलियां, यानी क्या, हिंदी की बोलियां, इसको हम शामिल करते हैं। हिंदी की बोलियों के बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा कि कितनी बोलियां होती हैं, उत्तर प्रदेश की कितनी प्रमुख बोलियां हैं, किस अपभ्रंश से कौन सी बोलियां निकली हैं, इस पर हम बात करेंगे। यानी हिंदी की बोलियां और देवनागरी लिपि, हिंदी की बोलियां और देवनागरी लिपि के बारे में, यानी देवनागरी लिपि की विशेषताएं होती हैं, देवनागरी लिपि की जो है उत्पत्ति कैसे होती है, देवनागरी लिपि की शैलियाँ कैसी होती हैं, आज देवनागरी लिपि के बारे में विशेष रूप से हमारी चर्चा होगी। ध्वनिवाद के बारे में भी चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। भाग दो में हमने इसको थोड़ा सा विस्तार दिया। चलिए आते हैं हम भाग तीन पर आते हैं। ये हमारा भाग दो हुआ, इसके बाद हम आते हैं भाग तीन पर आते हैं। भाग तीन पर आते हैं और भाग तीन में हम इसको भी दो भागों में, मैंने जैसे बताया था कि दो भागों में विभाजित किया, पहला जो विभाजन हमने किया था व्याकरण खंड किया था। क्या? व्याकरण खंड किया था। और व्याकरण खंड में आपको पता होगा कि क्या क्या शामिल होते हैं। इसमें आप संज्ञा शामिल होती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, वाच, अव्यय आदि, ये सब क्या होते हैं? शामिल होते हैं। डाट 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 कर दे रहे हैं यहां पर, ये व्याकरण खंड के अंतर्गत आता है। हालांकि पहले व्याकरण को पुस्तक लिखने का श्रेय हम लोगों को नहीं है, जेशुआ केटलर को है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए दूसरा आता है इसका रचना खंड आता है, रचना खंड। और रचना खंड के अंतर्गत जो हम शामिल करते हैं वह आपको विलोम के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? विलोम के बारे में बात करेंगे, पर्यायवाची के बारे में बात करेंगे, पर्यायवाची के बात करेंगे, अनेक शब्द के लिए एक शब्द के बारे में बात करेंगे, वाक्य शुद्धिकरण के बारे में बात करेंगे, वर्तनी शुद्धिकरण के बारे में बात करेंगे, लोकोक्ति एवं मुहावराओं के बारे में बात करेंगे, विराम चिन्हों के बारे में बात करेंगे। यानी रचना खंड के अंतर्गत हम इन तमाम टॉपिक को, जो सब टॉपिक हैं, उसको लेकर के हम लोग समझा जाएगा, लिखा जाएगा, धुना गुना जाएगा, ताकि यहां से प्रश्न आपके गलत ना हो। यानी भाग तीन के अंतर्गत मैंने जो
इस रूप में विभाजन किया है आपको आसान बनाने के लिए, इन दो को हमने लिया है। चलिए भाग चार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? भाग चार के अंतर्गत आते हैं, और भाग चार के अंतर्गत जो शामिल होते हैं उसको, यानी यह संस्कृत का है भाग चार, तो संस्कृत में, यानी भाग चार पूर्णतः यह संस्कृत को समर्पित है। अब संस्कृत में ही आपको मैंने जो दो भाग इसके पहले विभाजित किया था, एक होता है रचना एवं रचनाकार। क्या होगा? रचनाएं होगा एवं रचनाकार होगा, यानी कुछ लोगों के रचनाएं होंगी, रचनाकार। और ये पूछा जा सकता है कि इसके रचनाकार कौन है, तो जितना दिया जाता है सिलेबस में उससे थोड़ा सा अधिक ही पूछ लेता है। इसमें आपके भास शामिल होते हैं, भास को शामिल किया जाता है, भारव को शामिल किया जाता है, भवभूति को शामिल किया जाता है, भवभूति को, कालिदास को शामिल किया जाता है, श्रीहर्ष को शामिल किया जाता है, आदि विद्वानों को क्या इसमें शामिल करते हैं, यानी इस खंड में इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, किसकी कौन सी रचनाएं हैं, मिलान में भी आती हैं, तो ऐसा कुछ अन्य को भी जो सिलेबस में नहीं है उनको भी पूछ लिया जाता है, तो कोई बात नहीं, उस पर भी हम डिटेल बात करेंगे जो भी आपको आएंगे। इसके दूसरे पार्ट के रूप में हमने कहा था कि रूप के बारे में, यानी शब्द रूप के बारे में बात होगी, शब्द रूप के बारे में बात होगी, इन सबों में कुछ है ही नहीं शब्द रूप, और धातु रूप के बारे में बात होगी, धातु रूप इसमें कोई बात नहीं है, शब्द रूप और धातु रूप में कुछ भी नहीं है। जब मैं पढ़ाना प्रारंभ करूंगा तो आपको लगेगा कि ये तो केवल लिखे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल इस खंड से भाग चार के संस्कृत जो है, संस्कृत साहित्य वाला जो पोर्शन है, आपको मुश्किलों से 5 पेज 6 पेज का कुछ इसमें बात होगी, जो सभी को शामिल करके कर दिया जाएगा और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप देखिएगा कि हाँ, इस पार्ट में तो कुछ है नहीं, केवल एक भाग है और इसको पढ़ना है, आसान है। यही संस्कृत के संधि की भी बात होगी और समास की भी बात होगी, ठीक है, यानी यहां पर भी तो लाभ ये होगा, संधि समास यहां पर भी है, संधि समास आपके ऊपर भी आते हैं तो उसमें भी लाभ कर जाएगा, पूछे जाएंगे, तो दोनों पेपर एक ही है, चाहे यहां से पूछे चाहे वहां से पूछे, बात एक ही है, जानकारी हमको होनी चाहिए। यानी ओवरऑल हमने क्या किया, आपको चार भागों में पूरे हिंदी साहित्य को विभाजित कर दिया, ठीक है, और इन्हीं चार भागों को हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया। तो आप ये स्वयं देखिए कि जो आपका इतना भारी भरकम ये सिलेबस है, इन सिलेबस को, ये मुझे नहीं लगता है कि ये सिलेबस बहुत बड़ा है कि जो आप समझ न सकें, ऐसा तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये तो हमारा हो गया, ये सिलेबस के बारे में हमने जो चर्चा किया उसके बारे में हो गया, ठीक है। अब इस सिलेबस से संबंधित अभी तो मैंने कुछ भी आपसे बात नहीं किया, इसके बाद से मैं हिंदी साहित्य का, हिंदी के आगमन और साहित्य की बात मैं बताऊंगा, तो वहां से बहुत ज्यादा बातें आपको क्लियर समझ में आएंगी, एक थीम समझ में आएगी कि आखिर हिंदी की उत्पत्ति जो हो रही है वो कैसे यहीं से हो रही है, आदिकाल भी से ही हो रही है, और आदिकाल क्यों नाम दिया गया, और लगभग 900 से लेकर के 1100 के बीच से ही क्यों हो रही है, क्यों इसके पहले नहीं हो जा रही है, क्यों इसके बाद नहीं हो रही है, तमाम बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, और कैसे रचनाएं हो रही हैं उसको भी हम बात करेंगे। तो मेरा मोटो आज का यह था कि आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता दें। हाँ, ये जरूर होगा कि हर टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, आए हुए प्रश्न को भी करेंगे, और जो आने वाले प्रश्न लगते हैं कि ये पूछे जा सकते हैं इस पर भी हम लोग करेंगे। तो आज ये तो सिलेबस छोटा सा मैंने बताया, मैं थोड़ा सा इस पर 2-4-10 क्वेश्चन भी आपको कराना चाहता हूं, तो थोड़ा सा इस पर एक क्वेश्चन कर लिया जाए और देखा जाए कि आपके उत्तर क्या आते हैं। आसान क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि कठिन क्वेश्चन है, तो आइए इसी से संदर्भित हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर एक देखिए आपके सामने उपस्थित है क्वेश्चन नंबर एक, और क्वेश्चन नंबर एक कहता है कि आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना है ये कौन सा अशुद्ध है। तो अभी मैं पढ़ाया नहीं हूं आपको, लेकिन फिर भी आपसे इतना अपेक्षा कर सकता हूं कि आप इसके उत्तर दे सकते हैं। देखिए बीज बपन काल मिश्र बंधु ने कहा है ऐसा है, तो चलिए अभी बताते हैं। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्याय ये तो कहते हैं, संधिकाल एवं चारण काल ये राम कुमार वर्मा कहते हैं, सही है। वीर घाता काल रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं सही होगा, ये मिश्र बंधु का सही नहीं होगा। यानी आदिकाल का जो नाम दिए हैं वह आदिकाल बीज बपन काल किसने कहा है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका नामकरण किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दो है, क्या है। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के काल खंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया। देखिए चूंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली 700 से 1300 ईस्वी होना चाहिए जो विभाजन हुआ है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में पूछ दिया गया है यही, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन ही लिखा है और कुछ नहीं किया है। आए हुए प्रश्न है इसी को हम थोड़ा सा आपको बता दिए हैं। तो ग्रियर्सन महोदय ने 700 से 1400 उसको जब विभाजन करेंगे तो 700 से 1300 पढ़ा जाता है। आप कोई मानक नहीं है, बस इतना ही है इसमें, जब अस्थाई नहीं है यानी कन्फर्म नहीं है तो आप मान सकते हैं क्वेश्चन के रूप में हो गया है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे और विभाजन करेंगे कि ग्रियर्सन कितने भागों में विभाजित करते हैं और कौन कौन से भाग होते हैं। तो ग्रियर्सन महोदय ने, यानी ये शुरुआत हो रहा हिंदी साहित्य का, तो संधिकाल कहते हैं नहीं कहते हैं, प्रारंभिक काल नहीं कहते हैं, अभ्रंश काल नहीं कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, चारण काल कहते हैं। यानी ग्रियर्सन ने क्या कहा, इसका नाम चारण काल दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर तीन पर आते हैं। क्वेश्चन तीन नंबर कहता क्या है, संवत 1375 से लेकर के 1700 तक के साहित्य में कौन सी धारा, कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है। यानी 1375 से 1700 के आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विभाजन है, 1000 संवत 1050 से लेकर के 1375 तक, 1375 से 1700, 1700 से लेकर 1900, 1900 से लेकर के 1984 तक, आज तक भी उसको आप लोग कह सकते हैं, वो विभाजन करेंगे तो हम बताएंगे। तो ये 1375 से लेकर के 1700 तक यह क्या कहते हैं, श्रृंगारिता नहीं, वीरता नहीं, रीति नहीं, क्या कहते हैं, भक्तिकाल कहते हैं। और इसी को एक बड़ा ही फेमस विद्वान कहता है ये भक्तिकाल ही स्वर्ण युग है, इसके बारे में आप बताएंगे, नहीं तो मैं तो बताऊंगा लेकिन कल बताऊंगा। थोड़ा सा आपके लिए आसान क्वेश्चन है, मैंने कुछ ऐसा क्वेश्चन इसको नहीं बताया कि किसने भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, आपके द्वारा आ सकता है, कमेंट में मैं देख लूंगा। शधुक्कड़ी ये क्या है, शधुक्कड़ी भाषा से आशय क्या है, शधुक्कड़ी भाषा ये क्या है जिसमें कटुक्तियों का प्रयोग हो, नहीं शधुक्कड़ी भाषा ये नहीं होती, जिसमें अखड़कपन एकदम नहीं होती है, जिसमें साधु संतों की गुण बातों के संकेतांक हो, नहीं ये भी नहीं होता है, तो क्या होता है, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। इसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, और शधुक्कड़ी किसने कहा आपको बताना है, और पंचमेल खिचड़ी यानी किसने शधुक्कड़ी भाषा, कबीर के भाषा को किसने शधुक्कड़ी कहा, और किसने पंचमेल खिचड़ी कहा आपको बताना है, कमेंट करके बताना है, इसका मुझे दरकार रहेगा इसके उत्तर का आपके द्वारा। तो शधुक्कड़ी इसलिए कहा गया, और बार बार वो नाम अभी आ जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप जो है उत्तर देने में सक्षम है लेकिन मेरे द्वारा अभी क्यों बताया जाए। तो इसलिए कहे कि वह जहां शधुक्कड़ी, जहां ये साधु संत विद्वान जाते हैं वहां पर रम जाते हैं, वहीं के भाषा को लेते हैं और कुछ न कुछ काव्य की रचनाएं कहते हैं, तो कहते हैं शधुक्कड़ी भाषा है और किसी ने कहा कि ये पंचमेल खिचड़ी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी शोषित होए, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है, प्राणचंद चौहान की है, नभादास की है, नरोत्तम दास की है, रहीम की है, नहीं ये किसकी है, रहीम दास की है। देखिए होता क्या है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी शोषित होए, यह बात तब की है,
कबीरदास कह रहे हैं तुलसीदास, तुलसीदास जी के एक कथानक आता है, काव्य में एक कथानक आता है कि तुलसीदास जी से एक जो ब्राह्मणी है वह शादी के लिए गई कि मेरी बच्ची की शादी के लिए कुछ आप धन दे दीजिए, ऐसा आता है कहानी के रूप में आता है। तो तुलसीदास जी चूंकि यह राम भक्ति शाखा में सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के ये पूजक हैं और उन्होंने कहा कि भाई हम कहाँ से दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके तो बड़े पहुँच होंगे, आप किसी से कह देंगे वह दे देगा। तो इन्होंने एक पत्र लिखा, पत्र क्या लिखा, एक यही पंक्ति लिखी, कहे कि आप चले जाइए रहीम जी के पास और रहीम दास को यह जो है यह पंक्ति दे दीजिएगा। तो उन्होंने लिखा, तुलसीदास ने लिखा, सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय, यानी तुलसीदास ने लिखा सुरतीय, ठीक है लिखे सुरतीय नरतीय नागतीय नागतीय अस चाहत सब कोय, अस चाहत सब कोय। ये जो है बाबा ने, बाबा तुलसी ने ये लिखा और इन्होंने लिख करके कहे कि यही पंक्ति ले जाकर के रहीमदास जी को दे दीजिएगा। और जब ये रहीमदास जी पाते हैं कि ये कबीरदास जी बार बार कबीरदास जी आता है, तुलसीदास जी ने आपको यह पंक्ति भेजा है और इसको आप देखिए, उसे ब्राह्मणी ने सोचा कि कहां से इस पंक्ति पे क्या हो देंगे, इसमें क्या ऐसा लिख दिए हैं, लग रहा है ये केवल मूर्ख ही बना रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। तो जब वो जाती है रहीम दास जी के पास जाती है और वह देती है, तो रहीम दास जी कहते हैं ठीक है, वो समझते हैं और इसको इसकी पुत्री के विवाह के लिए वह कोष से धन दे देते हैं कि जाओ अपना शादी, अपने बच्ची की शादी करो, लेकिन मेरा एक काम करते जाओ। और उसने इन्हीं इसी पंक्ति के नीचे लिख दिया, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी शोषित होए, और यही लिख करके इसी पंक्ति के नीचे यानी पूरा करके और भेज दिया। तो वह ले जाकर के तुलसीदास जी को वह ब्राह्मणी दे देती है। यहां पर देखे होता क्या है, इन्होंने लिखा कि सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाह सब कोई, अर्थ थोड़ा सा जान लेते हैं, तीय मतलब होता है स्त्री, यानी सुर की नर की देवताओं की और आदमी यानी मनुष्यों की, नागतीय यानी सभी लोगों को, चाहे वो सुर हो चाहे वो असुर हो, चाहे नर हो चाहे नाग हो चाहे किन्नर हो चाहे गंधर्व हो, किसी की भी पत्नी है, अस चाहत सब कोई, वो क्या चाहती हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं वो क्या चाहती हैं, यानी सभी की पत्नियां क्या चाहती हैं। तो रहीम जी ने कितना उत्तर लिखा, वो कहते हैं गोद लिए हुलसी फिरे, यानी गोद ले हुलसी फिरे, हुलसी तुलसीदास जी के माता जी का नाम था, कहते हैं गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए, यानी सभी की पत्नियां सभी की स्त्रियां यही चाहती हैं कि मेरे भी तुलसी जैसा बालक हो और मैं इनको गोद में लेकर के घूमू, गोद में लेकर फिरूं। और यही ये पंक्ति पूछा है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए, तो इसका रहीमदास जी अगर कभी ये पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा, तुलसीदास जी हो जाएगा। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आसान क्वेश्चन है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया, ये मुकुटधर पांडे ने, ये तो आसान क्वेश्चन है छायावाद का, हम बताएंगे आधुनिक काल में, आधुनिक काल के अंतर्गत ही हम सारी बातों को जब पढ़ाएंगे तो वहां पर प्रगतवाद प्रयोगवाद भारतेंदु युग द्विवेदी युग छायावाद प्रगतवाद प्रयोगवाद नई कविता आदि के बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ मुकुटधर पांडे हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब्दुल बिस्मिल्लाकृत झीनी झीनी बिनी चदरिया में किसका चित्रण है, ये बुनकरों के संघर्ष का ये चित्रण है, यहाँ पर बुनकरों के संघर्ष का ये चित्रण है, इसके बारे में डिटेल बात होगी, बस आज के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। देसियल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपो अहट्या,
ये किसने कहा, यह विद्यापति ने कहा, ये विद्यापति की ये कीर्तिलता पुस्तक लिखते हैं, ये कीर्ति सिंह, कीर्तिलता जो है, कीर्तिलता राजा कीर्ति सिंह के बारे में लिखी गई पुस्तक है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि यह कब लिखी गई और किस कंडीशन में लिखी गई, किसके लिए लिखी गई, आदि हम बातें बारे में बात करेंगे। और यानी वो कहते हैं देसी अलबाना सबजन मीठा, यानी देसी जो भाषा होता है सब लोगों को मीठा लगता है, इसलिए मैं अवहट्ट ग्रामीण भाषा को अवहट्ट कहता हूं, ऐसा उन्होंने बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं। काव्य गुण आचार्य मम्मट ने 3 माने हैं, 3 यहां पे मम्मट ने माने हैं। हर विद्वानों के अलग अलग अनुरूप काव्य गुण और काव्य दोष माने गए हैं, डिटेल चर्चा होगी, यहां सिर्फ आपके जानकारी के लिए मैंने ऐसा कह दिया है। कंकण क्वडित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता अभिशार, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन पुरक स्पर्श का पता नहीं, मधुमेह चुम्बन का तरताएं आज मुख को सता रही। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपरोक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित होता है, यानी काव्य दोष इसमें कौन सा लक्षित होता है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो है वचन संबंधी ये काव्य दोष है, वचन संबंधी मतलब कठिन वचनों का प्रयोग किया गया है, इसलिए वचन संबंधी है। आपको वचन संबंधी, काल संबंधी, लिंग संबंधी, च्युत संस्कृत संबंधी ये दोष होता है। तो ये सब सारे दोष को काव्य दोष के बारे में हम बात करेंगे। आसान चीजें हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है, ये सब दोष उसके देखा जाएगा आसान। दही बड़ा में कौन सा समास है, आपको पता है कि दही बड़ा में तत्पुरुष समास है, लेकिन अगर दही अलग लिखा जाए, बड़ा अलग लिख जाए, तो थोड़ा सा इसमें बदल जाएगा। जब संस्कृत, जब सॉरी मैं समास पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको डिटेल करूंगा। और मैं पुनः जो हिंदी में समास मैं बताता हूं आपको, 4 पंक्ति के कविताओं के अंतर्गत मैं बताता हूं आपको, बार बार आप सुने भी होंगे इसी चैनल के माध्यम से, कि द्वंद्व समास में और छिपे दिग में पहला गणना पदावत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे उत्तर तत्पुरुष भावत है, पहला पद जिसमें विशेषण हो कर्मधारय नाम गिनावत है, अव्यय में अव्यय पूर्व छिपे बहुव्रीहि में अन्य प्रधान बतावत है, ऐसा करके हम समास को समाप्त करते हैं और पूरा डिटेल भी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं, सॉरी 12 आते हैं, सूची को मिलान करना है, तो आपको बस ऐसे ही कुछ पूछा जाएगा। कालिदास ने क्या लिखा है, तो कालिदास का आप जानते हैं ऋतु संहार है, आपको पता ही है। भवभूति का उत्तर रामचरितम है, दंडी का दस कुमार चंतिम है, बाण भट्ट का कादंबरी है, श्रीहर्ष का नैसत चरित है, इसमें जो भी कूट